हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, दैट इज फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि वुमेन के साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो HPO एक्सिस होता है, यानी जो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है यानी हाइपोथैलेमस, ये किस तरीके से वुमेन के टू ऑर्गन्स ओवरी और यूट्रस को एक साथ कंट्रोल करती है, एंड इन दोनों साइकिल को रन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हॉर्मोन्स हैं उनका इनके साथ में क्या रिलेशन है। सो ऑल टुगेदर इस होल वीडियो के अंदर ये तीन चीज़ों को मैं एक साथ कोऑर्डिनेट करके बताऊंगी कि ओवरीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसी दौरान यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इन दोनों चेंजेस के दौरान कौन से हॉर्मोन्स बढ़ते हैं और कौन से घटते हैं। सो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इस होल कंसेप्ट के रिलेशन को आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और आई होप कि इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये क्या होती है? दिस इज द रेगुलर और रिदमिक साइकिल जो कि एक वुमेन की यूट्रस एज वेल एज ओवरीज के अंदर फिजियोलॉजिकल बदलाव होने के कारण होती हैं। और ये बदलाव किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जिसके बारे में हम अभी डील करेंगे। सो इस एक्सिस के कारण जो वुमेन की बॉडी के अंदर इन ऑर्गन्स के अंदर जो बदलाव होते हैं, इन बदलाव के कारण वुमेन की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग, वो क्या हो जाती है? शेड हो जाती है, कम्प्लीटली क्या हो जाती है? स्लज ऑफ हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ओके? और ये एक्सटर्नली ब्लड लॉस के साथ में हमें दिखाई देती है। सो दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक रेगुलर रिदमिक पेस पे रन होती है, ओके? तो वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 28 डेज, क्योंकि हर 28 डेज के बाद ये साइकिल क्या होती है? रिपीट होती है। और ये सारे जो प्रिपरेशन है वो अल्टीमेटली किस वजह से हो रही है? फॉर एंटिसिपेटिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज हर साइकिल के अंदर यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज ओवा, ओके? और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइज ओवा इम्प्लांट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग शट ऑफ हो जाती है। यस, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड होल दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, सो ये जो साइकिल है ये 28 डेज के लिए लास्ट करती है। साइक्लिक जो रिदम है वो कितने दिन के अंदर ये रिपीट होता है? 28 डेज, बट इट इज नॉट द फिक्स्ड, बिकॉज हर वुमेन के अंदर जो ये साइक्लिक ड्यूरेशन है ये वैरी करता है। मिनिमली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 21 डेज और मैक्सिमली ये जा सकता है 35 डेज के तक। सो दिस द वेरिएशन और द वेरिएबिलिटी कि इन दिन के अंदर क्या हो सकती है? साइकिल रिपीट हो सकती है 21 to 35, बट अगर 21 डेज से अगर कम दिन के अंदर ये साइकिल रिपीट होती है, इसके बियॉन्ड अगर प्रोसीड होती है, 35 डेज के बियॉन्ड अगर ये साइकिल रिपीट होती है, तो हम इसे पैथोलॉजिकल कंसिडर करेंगे। बट नेचुरली जो ये एंड अप होती है ये 21 से लेके 35 डेज के अंदर लास्ट करती है। बट यहाँ पे जो मैं यहाँ पे होल कंसेप्ट को बताऊंगी, इसे हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? 28 डेज ड्यूरेशन, बिकॉज ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम बुक में भी प्रेफर किया गया है कि जो नॉर्मल साइकिल है वो कितने दिन की होनी चाहिए? 28 डेज की, ओके? नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है यानी ब्लीडिंग फेज, वो कितने दिन के लिए लास्ट करता है? इट लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 डेज। बट यस, कुछ वुमेन के अंदर ये 3 डेज में भी एंड अप हो जाता है, और इन सम वुमेन इट मे लास्ट फॉर अबाउट 7 डेज, ओके? बट इफ इट इज गो मोर देन 7 डेज तो हम इसे पैथोलॉजिकली कंसिडर करेंगे। इसमें जो ब्लड लॉस होता है यानी जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसमें मैक्सिमम जो कंपोजिशन होता है ये ब्लड का होता है। ब्लड इज द मेन कंपोजिशन, बट इसके अलावा भी सर्वाइकल म्यूकस, वजाइनल म्यूकस, मैनी बैक्टीरियाज, इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्यू एंजाइम्स, ये सारे भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द कम्पोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ओके? नाउ जैसे कि मैंने बोला कि ये जो होल साइकिल है ये कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल होती है विद द HPO एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे HPO का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये HPO कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है और अगर ये पेटेंट है, तो उसी कंडीशन में ये जो साइकिल है वो रेगुलर रिदम में होगी। सो वॉट इज HPO एक्सिस? सो फर्स्टली देर इज अ हाइपोथैलेमस, सेकेंड एच, पी इज पिट्यूटरी, ओ इज ओवरी, ओके? सो हियर आई एम ड्रॉइंग दी हाइपोथैलेमस एंड हियर इट इज द कनेक्टिंग स्टॉक, और जिससे कि क्या कनेक्ट होता है? दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, सो हियर इज दी
हाइपोथैलेमस, और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहाँ पे भी हम इम्पोर्टेंटली किसको कंसिडर करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एचपीओ एक्सिस। फर्स्टली क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, दैट इज द न्यूक्लियस, और इन यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, देर आर द फ्यू न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर दी न्यूरोनल सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है, और ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, दैट इज आर्क्यूएट न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर जो कि क्या करती है, इस होल ओवेरियन एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है इन आर्क्यूएट न्यूक्लियस के जरिए क्या रिलीज करते हैं, फ्यू केमिकल सब्सटेंस, और ये जो केमिकल सब्सटेंस है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के जरिए, यानी जो यहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल का, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती है, इंटरकनेक्ट होती है विद दिस हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी, और इन ब्लड वेसल के जरिए जो ये केमिकल स्टिमुलस है, ओके, और ये जो केमिकल स्टिमुलस यहाँ पे है इसे क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, सो इन आर्क्यूएट न्यूक्लियस से क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो इस हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, इस माइक्रो सर्कुलेटिंग वेसल के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचता है, और यहाँ पे जो सेल्स होती है गोनाडोट्रॉफ्स, उन गोनाडोट्रॉफ्स को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेट क्यों करता है, बिकॉज इसी जीएनआरएच के कारण, और इसी हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के जरिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यानी एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये स्टिमुलेट होता है, और ये अगेन टू गोनाडोट्रॉफ्स को क्या करता है, रिलीज करता है। व्हाट आर द टू गोनाडोट्रॉफ्स, दैट इज LH luteinizing hormone and the another is FSH follicle stimulating hormone. So these are the very essential components जो कि इस anterior pituitary से synthesize और secrete होते हैं, और ये दो जो hormone हैं जो कि anterior pituitary से release होते हैं, ये again blood stream के जरिए कहाँ पे connected रहते हैं, with the ovarian system, because ovary के अंदर जो follicles होते हैं उन follicles की cells के अंदर इनके regarding receptors present होते हैं, और उन रिसेप्टर से ये फॉलिकल, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो बाइंड होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, और वहाँ से फाइनली स्टीरॉइड्स हॉर्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो ये फाइनली किसको ट्रिगर करते हैं, ओवरी यानी गोनाड्स को, और फाइनली उसके जरिए क्या रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन द मेन स्टीरॉइड हॉर्मोन, ओके, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं, ओवरी से। सो दैट इज कॉल्ड द एचपीओ एक्सिस। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हाइपोथैलेमस ट्रिगर कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, इट ये सिंथेसाइज कर रहा है एफएसएच एंड एलएच। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से एफएसएच और एलएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज यहाँ पे जो दो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें कि सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं वो क्या है, ओवरी एंड यूट्रस। यस, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दी यूट्रस हियर। सो हियर इज द फंडस पार्ट, दिस इज द बॉडी रीजन ऑफ द यूट्रस, एंड हियर इज द वजाइना, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, फेलोपियन ट्यूब। यस, और इस फेलोपियन ट्यूब के एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फिम्ब्रीज। यस, एंड आवर मेन स्ट्रक्चर दैट इज फीमेल गोनाड, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरी। ओके, सो ओवरी जो है एलमंड शेप स्ट्रक्चर है जो कि पेड गोनाड होती है, बोथ साइड सिचुएटेड होती है। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओवरीज हैं, ये ओवरी जिन फॉलिकल को मैच्योर करती हैं, देन उस फॉलिकल में से एक मैच्योर ओवर रिलीज होता है,
जो कि आगे चल के केपेबल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, या फिर अगर वो फर्टाइल नहीं हो रहा है तो वो मेंस्ट्रुएशन के साथ में एंड अप हो जाता है। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, यानी इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, राइट, इसके बारे में डिटेली मैंने जाऊंगी। ऑलरेडी मैंने ऊजेनेसिस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे डील करूंगी अगेन। सबसे पहले जो जर्म सेल होती है, यानी ऊगोनियम जो होते हैं जर्म सेल्स, ये कहाँ से डिराइव होते हैं? दीज आर डिराइव फ्रॉम यॉर्क सैक, और यॉर्क सैक से डिराइव होने के बाद में ये जेनाइटल रिज और गोनाडल रिज के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इटसेल्फ, यस। और वहाँ पे ये जर्म सेल्स और जो ऊगोनियास हैं, ये लगातार जेनाइटल रिज में मूव करने के बाद में लगातार डिफ्रेंशिएट होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उनमें माइटोसिस होता है, और माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद में, और ये जो माइटोटिक डिविजन है ये लगातार 20 वीक तक कंटिन्यूस रहता है, और 20 वीक तक कंटिन्यूस इस डिविजन के बाद में कितने ऊगोनियास फॉर्म हो जाते हैं? 7 मिलियन, ओके, 7 मिलियन ऊगोनियास का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में आफ्टर 20 वीक उनमें से कुछ मेजॉरिटी जो ऊगोनियास हैं ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं और मियोटिक फर्स्ट डिविजन के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। इनिशियली तो क्या होता है इनमें, माइटोटिक डिविजन होता है, एंड देन ये जो ऊगोनियास हैं जब ये 20 वीक तक 7 मिलियन पहुंच जाते हैं, देन दे एंटर इनटू द मियोटिक फर्स्ट डिवीजन। और मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में एंटर करने के बाद में ये जो मियोटिक डिवीजन है ये कंप्लीट नहीं होता है उनका, एंड दे बिकम अरेस्टेड, जो कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही अरेस्ट हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। सो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे इनका कंप्लीट नहीं होता है, वेरस इन ये जो ऊगोनियास होते हैं, ये ऊगोनियास मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के बाद में क्या कहलाते हैं, दे फॉर्म्स प्राइमरी ऊसाइट, और ये प्राइमरी ऊसाइट फ्लैट सर्कल, फ्लैट सेल से क्या हो जाती है, एंड सर्कल, जिन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओके। सो ऐसे कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल यहाँ पे बनते हैं, लेकिन ये क्या है, मियोटिक फर्स्ट में ही अरेस्टेड रहते हैं, और इनका मियोटिक फर्स्ट डिवीजन अरेस्टेड ही रहता है आफ्टर द बर्थ ऑल्सो, ओके। एंड जो 7 मिलियन ऊगोनियास थे ये एट बर्थ कई हद तक क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में एंटर कर रहे हैं और सभी डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और सभी आगे प्रोग्रेस हो रहे हैं, इनमें से भी कई मेजॉरिटी जो है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, और आउट ऑफ देम 2 मिलियन ही होते हैं जो कि बर्थ तक प्रोग्रेस कर पाते हैं। 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही हैं जो कि बर्थ तक रह पाते हैं, एंड 2 मिलियन में से भी टिल चाइल्डहुड को क्रॉस करके प्यूबर्टी तक ओनली कितने रह जाते हैं, 4 लाख, ओके। सो 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही होते हैं जो कि प्यूबर्टी तक पहुंच पाते हैं, बट स्टिल दे आर अरेस्टेड इन मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, जो कि प्रोफेज के अंदर अरेस्टेड रहते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, अभी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, यस। नाउ फ्रॉम प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जब मेनार्की स्टार्ट होती है, यानी जब वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है, तो इन ईच मंथली साइकिल ये ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल देन किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, इन द प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड देन मैच्योर फॉर्म में, एंड फाइनली उनमें क्या होता है, डिविजन, दैट विल डिस्कस इन दिस ओवरी, ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे ही वुमेन की मेनार्की रीच होती है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है, तो क्या होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल यानी प्राइमरी ऊसाइट जो कि फ्लैट प्री ग्रैनुलोसा सेल से क्या होते हैं, एनसर्कल, ऐसे कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल वुमेन के ओवरी के अंदर सिचुएटेड होते हैं बोथ साइड, और जैसे मेनार्की रीच होती है इनमें से कुछ जो कोहर्ट फॉलिकुलर ग्रुप है, जिसमें ग्रुप ऑफ फॉलिकल जो होते हैं, कोहर्ट ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं वो रिक्रूट कर लिए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, ओके। ऐसा नहीं है कि एक फॉलिकल ही मैच्योर होगा और वही फाइनली मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड देन वो रिलीज होगा, देर आर ग्रुप ऑफ सेल, देर आर ग्रुप ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो कि सेलेक्ट किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, और ये जो रिक्रूटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिक्रूटमेंट, सपोज अगर इस फॉलिकल को मैच्योर होना है और उसको रिलीज होना है तो ये इसी साइकिल में मैच्योर नहीं होगा, वेरस इन इट टेक्स 3 मंथ और इट टेक्स 85 डेज प्रायर, 85 डेज प्रायर ही इस फॉलिकल का क्या हो चुका होगा, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, यस।
जो फॉलिकल इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर रिलीज हो रहा है वो प्रीवियस 3 मंथ बिफोर ही क्या हो चुका है, रिक्रूट एंड सेलेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो फ्रॉम मेनी ऑफ द प्रीमोडल फॉलिकल, यहाँ पे मैं एक ही ड्रॉ कर रही हूँ, देर आर मेनी ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइमोडल फॉलिकल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. इनमें क्या होता है कि कुछ लोकल केमिकल एंजाइम्स, और जो लोकल एंजाइम्स हैं उनके जरिए क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं स्लोली. जैसे ही प्यूबर्टी रीच होती है ये प्राइमोडियल फॉलिकल क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं. ओके, एंड देन दीज प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी फॉलिकल. किसमें कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल. लेकिन यहाँ से व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, कि अगेन देर इज अ प्राइमरी ओसाइट, और यहाँ पे जो प्राइमरी ओसाइट है ये फ्लैट सेल से चेंज होकर क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल से क्या हो जाएगा, कवर. देर में बी अ वन और देर में बी अ मल्टीपल लेयर अराउंड दिस प्राइमरी ओसाइट. ठीक है, एक या फिर कई लेयर इस प्राइमरी ओसाइट को एनसर्कल कर सकती है. सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. ओके, प्राइमोडियल फॉलिकल से ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये गोनाडोट्रॉफिन डिपेंडेंट नहीं है. यानी यहाँ पे इसको किसी भी FSH या LH की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ओनली लोकल एंजाइम के रेस्पॉन्स से ही ये क्या हो रहे हैं, जस्ट मैच्योर. ओके, नाउ जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, देन अब इनको किसकी जरूरत है, गोनाडोट्रॉफिन्स की जरूरत है. यानी गोनाडोट्रॉफिन यानी जो कि गोनाड्स को स्टिमुलेट करें, यस, तो इनको अब किसके रेस्पॉन्स की जरूरत है, FSH फॉर देयर फर्दर डेवलपमेंट. तो इस फेज में यहाँ पे FSH की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल की ओर चेंज होते हैं, यहाँ पे इनको FSH की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पे अब हम ओवरियन चेंजेस के साथ में यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, और उसी के साथ में ग्राफिकल रिकॉर्डिंग के जरिए हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हार्मोन्स के अंदर चेंजेस क्या क्या दिखाई देते हैं, यानी कौन सा हार्मोन कौन से फेज में सबसे ज़्यादा होता है. यस, सो इसको मैं अभी यहीं पे पॉज करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि जो साइकिल है ये कितने डे के लिए लास्ट करती है, इट लास्ट फॉर अबाउट 28 डेज. ऑन एन एवरेज हमने क्या कंसिडर किया है, 28 डे की साइकिल है. सो इस 28 डे के अंदर फ्रॉम हियर जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो टू फाइव डे जो होता है वो कौन सा फेज होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज जिसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम शेड होती है, दैट ऑल वी डिस्कस हियर. फ्रॉम 5 to 14 days के अंदर ओवरीज के अंदर जो साइकिल और जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रॉम 5 to 14 इज द फॉलिकुलर फेज, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज. यस, और जब ओवरीज में फॉलिकुलर फेज हो रहा है यानी फॉलिकल जब ग्रो हो रहे हैं, तो उसी दौरान यूट्रस के अंदर क्या हो रहा होता है, यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज. सो फॉलिकुलर फेज के साथ में यूट्रस में क्या है, प्रोलिफरेटिव. नाउ ऑन द डे ऑफ 14 पे क्या होता है, दैट इज ओवुलेशन. यस, एंड फ्रॉम 14 से लेके 28 डे जो साइकिल है इसके अंदर क्या होता है, देर इज अ ओवरी के अंदर ल्यूटियल फेज. क्या होता है, ल्यूटियल फेज. और ये ल्यूटियल फेज, एक और चीज मैं आप इंपॉर्टेंटली बताऊंगी, ल्यूटियल फेज के साथ में जो यूट्रस के अंदर जो बदलाव हो रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज. यस, सो दीज आर द फेजेस जो कि हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे. सपोज एक वुमेन की जो नॉर्मल अगर हम एवरेज साइकिल निकालते हैं, अगर ये 28 डेज के लिए लास्ट करती है, तो इसमें जो ल्यूटियल फेज और जो सेक्रेटरी फेज होता है ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट. लाइक ये जो गैप है ये कितना रहेगा, ऑलवेज 14 डेज. सो ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज को कॉन्स्टेंट फेज भी कहते हैं. वेर इज इन अगर साइकिल 28 से बढ़कर अगर 30 डेज की है सपोज, तो ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये वेरिएशन आपको कौन से फेज के अंदर दिखाई देगा, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेशन फेज के अंदर. स्टिल उस कंडीशन में भी जो ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज है ये 14 डेज का ही रहेगा. यस, सो अगर यहाँ पे हम देखें कि 28 डेज के अंदर फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन का है, 14 डेज का, तो अगर 30 डे की साइकिल है तो उसके अंदर ये फेज बढ़ के कितने दिन का हो जाएगा, 16 डे. स्टिल ये कितने दिन का रहेगा, 14 डे. ओके,
जो ये ल्यूटियल फेज है, ये इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट. और सेक्रेटरी फेज जो है वो इसे कांस्टेंट फेज भी कहते हैं. यस. नाउ यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर. राइट. इसमें इनको किसी भी हॉर्मोन्स की सप्लाई की जरूरत नहीं है. लेकिन जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे तो इन्हें किसके सप्लाई की जरूरत पड़ेगी? हॉर्मोन्स की, दैट इज FSH. तो यहाँ पे अब क्या होता है, क्योंकि जब ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इन ग्रैनुलोसा सेल पे धीरे धीरे क्या बिल्ड होने लगते हैं? FSH रिसेप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन ग्रैनुलोसा सेल पे क्या डेवलप होने लगते हैं? FSH के रिगार्डिंग रिसेप्टर. और जब ये रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं तो ये रिसेप्टर्स के सिग्नल के कारण यूजुअली क्या रिलीज होने लगता है? FSH. यस. और जब ये FSH रिलीज होता है तो धीरे धीरे इस फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है. एंड देन ये प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल. तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? मीडियली प्राइमरी ओसाइट होगा. स्टिल इट इज प्राइमरी ओसाइट बिकॉज यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है. प्राइमरी ओसाइट को एनसर्कल करते हुए क्या होगी? अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, जोना पेलुसिडा. और जोना पेलुसिडा के अराउंड कई मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होगी. यस. और यहाँ पे कई मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो इसको एनसर्कल कर रही हैं. अगेन इसके अराउंड भी कई कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल एज वैस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी. और इस वैस्कुलर लेयर को यहाँ पे क्या बोलेंगे? थीका लेयर. दिस इज द थीका लेयर. ओके. जो कि इस होल फॉलिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी. यस. सो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने में यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है? दैट इज FSH. यस. अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें. सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे FSH के इन्फ्लुएंस के कारण, जब FSH रिलीज होगा तो इसके इन्फ्लुएंस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा. दैट इज, सबसे पहले मैं यह ड्रॉ करूंगी. हियर इट इज द ग्रैनुलोसा सेल सपोज, और यहाँ पे है थीका सेल. दिस इज थीका सेल. ओके. सो थीका सेल एज वेल एज जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं दोनों पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर. बट ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, हियर इट इज ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल पे जो रिसेप्टर होते हैं वो किसके रिगार्डिंग होते हैं? FSH. ये किसके रिगार्डिंग है? FSH. और थीका सेल, दिस इज थीका सेल, और इस पे किसके रिगार्डिंग रिसेप्टर्स होते हैं? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. यस. तो जब मिड ऑफ द साइकिल जब होगा, यस, इन द फॉलिकुलर फेज, मिड ऑफ द फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो थीका लेयर होती है वो मोर वैस्कुलर होती है, तो इसी वैस्कुलरिटी के कारण ये क्या रिसीव करती है? ब्लड से LDL कोलेस्ट्रॉल. यस. सो यहाँ पे थीका सेल क्या रिसीव करेगी? LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल. और इस कोलेस्ट्रॉल को LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जो रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होते हैं, ये इन हार्मोन के लिए रिसीविंग साइट होते हैं. और इसी LH के प्रेजेंस में, जब LH यहाँ पे अटैच होगा तो उसी LH के प्रेजेंस में ये कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट होगा? एंड्रोस्टिनिडियोन. किसमें कन्वर्ट होगा? एंड्रो, यहाँ पे लिखती हूँ, एंड्रोस्टिनिडियोन. तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वीक स्टीरॉयड के अंदर, दैट इज वीक एंड्रोजन के अंदर, जिसे बोलते हैं एंड्रोस्टिनिडियोन. कौन कन्वर्ट करता है? थीका सेल, बिकॉज ये हाईली वैस्कुलर है और वहां से कोलेस्ट्रॉल को रिसीव करती है एंड देन कन्वर्ट करती है. नाउ ये एंड्रोस्टिनिडियोन जो है ये ग्रैनुलोसा सेल के अंदर डिफ्यूज होगा और यहाँ पर एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एंड्रोस्टिनिडियोन किसमें कन्वर्ट होगा? ईस्ट्राडियोन. किसमें कन्वर्ट होगा? ईस्ट्राडियोन, जो कि क्या है? ईस्ट्रोजन. यस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से ईस्ट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन. सो इन द मिड फॉलिकुलर फेज जब ईस्ट्रोजन क्या होगा? फॉर्म होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप हम ग्राफिकल रिकॉर्डिंग को भी साथ में देखते जाएंगे. यस. सो जैसे ही ईस्ट्रोजन यहाँ पे सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे इन फॉलिकल ग्रैनुलोसा सेल, यस, ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ग्रैनुलोसा सेल से. ओके. सो जैसे ही ईस्ट्रोजन बनता है और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करता है तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉज करता है? इट कॉजेस नेगेटिव फीडबैक. ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव फीडबैक इन द हाइपोथैलेमस. क्या कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक के जरिए क्या सिग्नल सेंड कर रहा है कि यहाँ पे फाइनली एक फॉलिकल का सिलेक्शन हो चुका है जो कि मैच्योरेशन की ओर प्रोग्रेस हो रहा है.
नाउ देयर इज नो नीड फॉर फर्दर फॉलिक्यूल टू मैच्योर. यस, तो यहाँ पे गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करेगा कि ये मोर FSH को स्टिमुलेट ना करे. यस, सो इन सारी चीजों को हम अभी ग्राफ में देखेंगे. सबसे पहले क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल से. ये क्या कॉज कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक. और इसी ईस्ट्रोजन के साथ में एक और हार्मोन जो रिलीज होता है इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल से, वो क्या होता है, इनहिबिन बी यानी ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है इसके रिस्पॉन्स को GnRH के, जिसके कारण अगेन FSH का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम या फिर नहीं होगा. ओके, सो लेट्स सी इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले FSH की. सपोज इन रेड इज FSH. यस, सो FSH के अंदर क्या दिख रहा है हमको, मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम बाद में डील करेंगे. यस, इन फॉलिकुलर फेज, ये फॉलिकुलर फेज है इन ओवरी, तो इस फॉलिकुलर फेज के अंदर FSH के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, देयर इज अ राइज इन FSH. यस, लेकिन यहाँ पे मिड फॉलिकुलर फेज पे FSH का लेवल अब क्या होने लगेगा, डिक्रीज. यस, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन के रेस्पॉन्स के कारण FSH क्या हो रहा है, इनहिबिट. यस, इनहिबिन और ईस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा है, FSH अब क्या हो जाएगा, लो डाउन. यस, बट अगर इसी के साथ हम ईस्ट्रोजन को देखें तो ईस्ट्रोजन के अंदर क्या चेंजेस दिखाई देंगे कि इसके FSH के साथ में, जैसे जैसे FSH राइज होगा, फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, तो इंक्रीजिंग फॉलिकल के साथ में हमें क्या दिखाई देगा, ईस्ट्रोजन भी क्या दिखाई देगा, राइज. देयर इज अ राइज इन ईस्ट्रोजन. और क्योंकि यहाँ पे LH के रिगार्डिंग भी रिसेप्टर्स हैं, यस, सो देयर इज अ लो अमाउंट ऑफ LH जो कि क्या हो रहा है, इसी के साथ में राइज हो रहा है. यस, देयर इज ऑल्सो अ राइज इन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. तो ये हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज की, जो कि ओवरीज के अंदर हो रही है टिल द मिड ऑफ द फॉलिकल. यस, सो ऑन द डे ऑफ 7 to 8 यहाँ पे एक फॉलिकल का सिलेक्शन हो जाता है इन मिड फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे कि डिसाइड हो जाता है कि नाउ दिस ओनली विल मैच्योर और इसी का प्रोग्रेशन होगा और रिमेनिंग विल डीजनरेट और दे बिकम डेड. तो यहाँ पे अब FSH का और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सेकेंडरी फॉलिकल ने FSH के रिगार्डिंग इतने रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर लिए हैं कि नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो इसका मैच्योरेशन होगा ये सेल्फ डिपेंडेंट होगा. ओके, इसको मोर FSH की जरूरत यहाँ पे नहीं है. सो दैट्स वाई यहाँ पे अब FSH का मिड साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है. यस, तो यहाँ पे मोर FSH अब रिलीज नहीं होगा इन द मिड ऑफ फॉलिकुलर फेज. द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखा हमने कहाँ पे, फॉलिकुलर फेज जो कि ओवरी में हो रहा है. नाउ यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हो जाता है विद दिस हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या कॉज करता है, ईस्ट्रोजन कॉज करता है रीजनरेशन ऑफ न्यू लेयर. ओके, क्या कॉज करता है, रीजनरेशन ऑफ न्यू लेयर. ये जो न्यू लेयर बन रही है ये किसकी बनती है, बिकॉज यहाँ पे जो शेडिंग हो रही है वो कौन सी लाइनिंग की है, एंडोमेट्रियम. और एंडोमेट्रियम में हमने देखा था एक होती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस. यस, सो बाहर जो कैविटी की तरफ होती है वो क्या है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस. यस, और जो इसके बेस की तरफ होती है ये कौन सी होती है, स्ट्रैटम बेसालिस. सो स्ट्रैटम बेसालिस कभी भी रीजनरेट नहीं होती है, ना ये शेड ऑफ होती है. ओनली स्ट्रैटम फंक्शनल लेयर जो होती है, इसकी भी जो कॉम्पैक्ट लेयर होती है वही क्या होती है, शेड होती है. तो इस फॉलिकुलर फेज के दौरान जब ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा है और यहाँ से जब ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन क्या कॉज करता है, रीजनरेशन ऑफ न्यू लेयर. ओके, और इस मिड ऑफ फॉलिकुलर फेज के अंदर ये 2 mm थिक लेयर बनाती है एंडोमेट्रियम की, फंक्शनल लेयर. और यहाँ पे कई जो स्पायरल आर्टेरियोल्स जो कि डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, अब वापस वहाँ पे न्योवैस्कुलराइजेशन होने लगता है, नई वेसल्स बनने लगती हैं. जहाँ से कि स्लज ऑफ हुई थी वहीं से स्प्राउट होने लगती है और वहीं से नई लेयर फॉर्म होने लगती है. और उसी के साथ में कुछ ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती है, वो भी ट्यूब फॉर्म में क्या होने लगती है, फॉर्म होने लगती हैं. यस, ट्यूबुलर और स्ट्रेट फॉर्म के अंदर एंड ईस्ट्रोजन के रेस्पॉन्स के कारण यहाँ पे नई लेयर का जनरेशन होने लगता है. अब क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिकल का सिलेक्शन हो चुका है और दिस फॉलिकल ये किस में चेंज होगा, नाउ इट विल चेंज इनटू द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये डेवलप होने लगता है, इट कन्वर्ट इनटू द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल.
ओके, और ये हम बात कर रहे हैं कौन से फेज के अंदर, दैट इज इन अ फॉलिकुलर फेज. सो जब ये सेकेंडरी फॉलिकल, देर आर मेनी स्टेजेस बट हम डायरेक्टली मूव करेंगे ऑन मेच्योरेशन. सो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जैसे ही ये मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, यस मेच्योर फॉलिकल, और मेच्योर फॉलिकल के अंदर क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर दैट इज द ओसाइट एंड द ज़ोना पेलोसिडा, और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होती है ग्रैनुलोसा की, जो कि इसको कवर करती हैं, जो इस ओसाइट को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलस ऑफरस. और ये क्यूमुलस ऑफरस की कुछ सेल इसे फॉलिकुलर वॉल से अटैच करने में हेल्प करती है, और इसी क्यूमुलस ऑफरस की जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, यस. और इस ग्रैनुलोसा सेल के बाहर, इस फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल के बाहर जो लाइनिंग होती है विच इज मोर वैस्कुलर, इसे क्या बोलते हैं, थीका लेयर, जो कि अगेन मैच्योर होती है इन द थीका इंटरना, जो अंदर है, और जो बाहर है वो है थीका एक्सटर्ना, यस. सो यहाँ पे अब जो ये फॉलिकल बन चुका है वो कौन सा है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और कह सकते हैं टर्शरी फॉलिकल, जो कि ओवुलेशन से पहले कितनी इसकी साइज हो जाती है, 20 nm, यस. नाउ जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इन ग्रैनुलोसा सेल्स पे मोर FSH रिसेप्टर्स हैं, और थीका सेल पे मोर LH रिसेप्टर्स हैं, एंड दे ऑल आर प्रोनाउंस्ड, यस. नाउ अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपिंग फॉलिकल है, ये अगेन हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज करेगा, और इसी हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ईस्ट्रोजन के कारण, जो यहाँ पे ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज हो रहा है बाय दिस ग्रैनुलोसा सेल, इसी हाई ईस्ट्रोजन लेवल के कारण अगेन यहाँ पे अब जो फीडबैक सिस्टम क्रिएट होगा ऑन दिस GnRH, वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक. और इसी पॉजिटिव फीडबैक के कारण अब GnRH क्या रिलीज करेगा, मोर FSH एंड मोर LH. वेरी इंपॉर्टेंट है, यस. बिफोर ओवुलेशन क्या क्या इवेंट्स होंगे, आई एम जस्ट मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. सबसे पहले ओवुलेशन से पहले क्या होगा, देर इज अ हाई ईस्ट्रोजन पीक, ओके. और ये ईस्ट्रोजन पीक कितने आवर तक सस्टेन होना चाहिए, दैट कुड बी सस्टेन फॉर अबाउट 24 से लेकर 36 आवर्स तक लगातार ईस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन होना चाहिए इन अ ब्लड, अराउंड 200 पिकोग्राम इन ईच ml. और ये जो लेवल है 200 पिकोग्राम इन ईच ml, ये भी एटलीस्ट 48 आवर तक लगातार बना रहना चाहिए ईस्ट्रोजन का, तभी जाके क्या होगा, LH भी ट्रिगर होगा, यस. तो लगातार ईस्ट्रोजन पीक के कारण क्या होगा, इस हाई ईस्ट्रोजन पीक के कारण अगेन GnRH इन दोनों हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगी, और दोनों हार्मोन के स्टिमुलेट होने के कारण बिफोर द ओवुलेशन से पहले, सबसे पहले FSH के अंदर स्लाइड, वापस से मैं बोल रही हूँ, FSH के अंदर स्लाइड क्या दिखाई देगा, इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज दिखाई देगा, यस. बट देर इज अगेन राइज इन ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन तो पीक है ही है, हमें मालूम है, इसी ईस्ट्रोजन पीक के कारण ही यूजुअली क्या होता है, LH का रिलीज होना, यस. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अंदर 10-fold इंक्रीमेंट दिखाई देगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, LH सर्ज क्या दिखाई देगा हमें, LH सर्ज मतलब LH हार्मोन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यस. और वहां पे ये पीक लेवल को मेंटेन करेगा, LH पीक, ओके. LH का जब पीक होगा तभी फाइनली क्या होगा, ओवुलेशन. दिस इज द रिलेशन ऑफ हार्मोन. नाउ LH सर्ज भी एटलीस्ट कितने टाइम तक के लिए मेंटेन होना जरूरी है, फॉर एटलीस्ट 34 से लेके 36 आवर्स तक LH सर्ज जो है वो मेंटेन होना चाहिए, यानी LH धीरे धीरे राइज होना चाहिए. और जब ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है, तो पीक लेवल पे पहुंचने के बाद 10-12 आवर्स तक लगातार वो जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का. सो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण, इसी LH सर्ज और पीक के कारण क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे ओवरी के अंदर, जो कि फॉलिकुलर फेज के अंदर है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कि जो ये 20 mm स्ट्रक्चर ग्राफिन मैच्योर फॉलिकल है, नाउ ये क्या हो जाएगा, रप्चर, ओके, बिकॉज ऑफ दिस LH पीक. तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रेजेंट ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनमें ल्यूटिनाइजेशन होगा,
ओके ल्यूटिनाइज होगी, यानी उन पे भी एलएच रिसेप्टर्स डेवलप होने लगेंगे। सेकेंडली यहाँ पे जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, हमने पढ़ा था कि जो फीटल और जो एम्ब्रियोनिक लाइफ से जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो अरेस्टेड था, वो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा विद दिस एलएचपी कंप्लीट। और मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होते ही या प्राइमरी ओसाइट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। नाउ यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट। और एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी एंड जो सेकेंडरी ओसाइट है वो इमीडिएटली वापस से मियोटिक सेकेंड डिवीजन में एंटर कर जाएगा, बट अगेन ये अरेस्ट हो जाएगा और कौन से फेज में रहेगा, मेटाफेज। मेटाफेज फेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। यस, नाउ इसी एलएचपीएच पीक के कारण एक और चीज हो रही है, देयर इज अ लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसी साथ में और क्या सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन भी इन सेल से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। यस, सो देर आर वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे बनता है बाय द रिलीज ऑफ FSH एज वेल एज द पीक लेवल ऑफ LH, स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी यहाँ से रिलीज होते हैं। सो इन्हीं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रिलीज होने के कारण, बिकॉज ऑफ दिस हाई पीक LH, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यूमुलस ऑफरस है ये इस वॉल से सेपरेट हो जाएगा बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और यहाँ पे फ्रीली फ्लोट करने लगेगा एंड देन सून बाय दिस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हॉर्मोन्स, ओके यहाँ पे क्या होने लगेगा कि जो फॉलिकुलर वॉल है ये थिन ऑफ होने लगेगी और धीरे धीरे यहाँ पे एक कॉनिकल कोन शेप में स्टिग्मा डेवलप होने लगेगा, जो ओवरी की जो ये वॉल है वो थिन ऑफ होकर क्या करने लगेगी, स्ट्रेच होने लगेगी एंड फाइनली इन्हीं प्रोटोलाइटिक एंजाइम एज वेल एज जो प्लाज्मिन होते हैं वो रिलीज होते हैं और जिसके कारण यहाँ पे फाइनली जो सेकेंडरी ओसाइट है ये इस ओवरियन सरफेस को टियर करता हुआ वहाँ से रिलीज होता हुआ कहाँ पे एंटर कर जाएगा, इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज ओविलेशन, यानी सेकेंडरी ओसाइट का मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होना कहलाता है ओविलेशन। सो जब ये सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे रिलीज होगा तो सेकेंडरी ओसाइट एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जोना पेलुसिडा से भी कवर होगा और उसी के साथ में इसको सराउंड करती हुई कई ग्रैनुलोसा सेल्स, 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स भी इसको एनक्लोज करती हुई बाहर रिलीज होगी और इस लेयर को हम यहाँ पे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो इन सम वुमेन जब इस तरीके से ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है बाय स्ट्रेचिंग ऑफ दिस ओवेरियन वॉल, तो यहाँ पे फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड और फ्लूइड भी क्या हो जाता है इसके साथ में इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है एंड जो कि इरिटेशन कॉज करता है वुमेन के अंदर और दैट में लीड इनटू द पेन दैट इज कॉल्ड ओवुलर पेन। इन सम वुमेन इट मे हैव ओवुलर पेन होता है, यानी ओवुलेशन के साथ वुमेन को पेन होता है बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ सम फ्लूइड और ब्लीड अराउंड दिस ओवेरियन सरफेस एंड यहाँ पे इसे बोलते हैं मिटलसमर्स सिंड्रोम, ओके और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इरिटेशन। यस, सो ऑन द डे ऑफ 14 यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है विद दिस मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल। तो जब ओवरी में सारे इवेंट हो रहे होते हैं तब यूट्रस में क्या होता है, विद दिस पीक ईस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे जो यूट्रस की मतलब जो सर्विक्स एरिया होता है, सर्विक्स से जो म्यूकस है जो ये रिलीज होता है इट बिकम थिन, ये थिन होने लगता है बिकॉज ओवुलेशन के बाद में जो मेजर इवेंट होना चाहिए जिसके लिए एक्चुअली ये रिप्रोडक्टिव साइकिल रन होती है दैट इज दी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट को फर्टाइल करने के लिए जरूरी है कि ये जो म्यूकस प्लग है ये क्या हो, थिन, ताकि जो स्पर्म सेल्स हैं वो इजिली क्या हो कर सके, इजिली ट्रैवल कर सके अलॉन्ग दिस होल रूट फ्रॉम द यूट्रस टिल द फेलोपियन ट्यूब एंड इट विल रीच टिल द एम्पुला। यस, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचता है, एम्पुलरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ओके। देन उसकी बात की जो होल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो यहाँ पे ओवुलेशन के अराउंड क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है और जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है तो उसी वक्त फिम्ब्रिल एंड जो होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ये ओवरी की सरफेस के अराउंड स्वीप करते हैं और इस सेकेंडरी ओसाइट को क्या कर लेते हैं, पिक, और देन ये कहाँ पर ट्रैवल करता है, इन द एम्पुलरी पार्ट। और उसी दौरान इसी ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है बिफोर ओवुलेशन और इसी ईस्ट्रोजन के कारण यहाँ पे रीजनरेशन होता है,
इन लेयर का प्रोलिफरेशन होता है, और प्रोलिफरेशन होने के कारण टिल 14 डे ये 3 to 4 mm थिक लेयर बना लेती हैं, और यहाँ पे जो म्यूकस है वो कैसा हो जाता है, थिन, टू अलाउ द स्पर्म टू मूव एंड रीच अप टिल द एम्पुलरी पार्ट. नाउ जैसे ओवुलेशन हो जाता है और सेकेंडरी ओसाइट एम्पुलरी पार्ट में पहुंच जाता है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, क्या ओवरी का फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है? नहीं. प्रेजेंट सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद ये जितने भी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और जो थीका सेल है वो इनफोल्ड होके कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाती है. ओके, सो इस तरीके से इनफोल्ड हो जाएगी, और उसी के साथ में यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल के अंदर भी न्यू वेस्कुलराइजेशन होने लगता है, नए वेसल्स भी इसके अंदर इन्वेड होने लगती हैं. ओके, तो यहाँ पे रिचली सप्लाइड होती है ये स्ट्रक्चर विद द ब्लड. ओके, क्योंकि यहाँ पे अब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो चुका है, एंड दिस पार्ट नाउ बिकम द कॉर्पस ल्यूटियम. ल्यूटिनाइज सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं, थीका सेल एज वेल एज जो ग्रैनुलोसा सेल है इन पे LH रिसेप्टर्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. सो हियर इट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज इन द ओवरी. यस, सो फ्रॉम 14 to 28 डेज क्या होता है, ल्यूटियल फेज, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन 2 week का रहता है, 12 to 14 डेज का के लिए रहता है, क्योंकि नाउ यहाँ पे यूट्रस पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है, प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज ओवा. फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर ये सेकेंडरी ओसाइट जब एम्पुलरी पार्ट में पहुँचता है और अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ रुक जाती है, नो, वेरजन इट इज मोर इन सिक्रीटरी फेज. कौन सी फेज पे हो जाती है, सिक्रीटरी फेज, बिकॉज यहाँ पे यूट्रस के पास ऐसे कोई सिग्नल नहीं है कि जो ओवा है वो फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, सो इट इज ट्राई टू गेटिंग रेडी टू इम्प्लांट दी फर्टिलाइज ओवा. यस, तो यहाँ पे जो ये स्पाइरल आर्टेरियोल्स है ये धीरे धीरे और भी ज्यादा कॉइल्ड होने लगती है, लॉन्ग और कॉइल्ड, मोर कॉइल्ड होने लगती है, मोर वैस्कुलर ये स्ट्रक्चर होने लगता है, और ये जो ग्लैंड्स होती है ये भी कॉन्वोल्यूटेड होने लगती है, मोर ट्यूबुलर होने लगती है, कई फोल्ड इसमें डेवलप होने लगते हैं इन ग्लैंड्स के अंदर. यस, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी फेस की, कि यहाँ पे जो ग्लैंड जो इनिशियली स्ट्रेट थी अभी और ज्यादा फोल्डेबल हो जाएगी, कॉर्कस्क्रू शेप्ड की हो जाएगी, यानी कई घुमावदार इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और इन ग्लैंड्स के अंदर धीरे धीरे वैक्यूल्स डेवलप होने लगेंगे, सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशंस को कैरी करेगी अब, और ये धीरे धीरे ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशन कहाँ पे मूव करने लगेगा, ऑन द सरफेस, ताकि अगर कोई फर्टिलाइज ओवा है जो कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर चुका है उसके इनिशियल नरिशमेंट के लिए जो मेन सोर्स रहता है वो कौन होता है, यूट्रस. सो इस ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशन और म्यूकोपॉलीसेक्राइड रिच सिक्रेशन को इन वैक्यूल के जरिए सरफेस पर रिलीज किया जाता है, और ब्लास्टोसिस धीरे धीरे क्या होता है, इम्प्लांट. बट यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टाइल नहीं हुआ है. ओके, बट स्टिल इट इज प्रिपेयरिंग, बट स्टिल एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, प्रिपेयर. सो इट इज इन अ सेक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या सेक्रेशन रिलीज हो रहे हैं, ग्लाइकोजन रिच सेक्रेशन. यस, बट नाउ यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है इसकी जो डिपेंडेंसी प्रीवियसली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट थी, नाउ इट बिकम चेंज. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जो अब स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर बन गया है आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम. एंड कॉर्पस ल्यूटियम मेनली 4 हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन मेनली, फर्स्ट इज द प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड इज द ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन. यस, इनहिबिन ए. इसी कॉर्पस ल्यूटियम के लगातार प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के कारण, कैसे रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, सेम इन दिस मैनर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो भी क्या हो चुकी है, LH के रिगार्डिंग खूब रिसेप्टर्स उसके ऊपर भी डेवलप हो चुके हैं, तो ग्रैनुलोसा सेल भी डायरेक्टली क्या कर रही है, डायरेक्टली ईस्ट्रोजन को इसी फॉर्म में इसी तरीके से बना रही है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस भी हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर LH के रिगार्डिंग रिसेप्टर्स भी डेवलप हो चुके हैं. सो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से ये LDL कोलेस्ट्रॉल को डिफ्यूज करती है, और LDL से डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रीकर्सर है उसे भी ये क्या करती है, यहाँ पे फॉर्म करती है. सो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक टेम्पररली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 2 week के लिए रहता है, और मेनली ये क्या रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन.
ओके नाउ यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ओवुलेशन के बाद में क्या ग्राफिकल वेरिएशन आते हैं इन हॉर्मोन्स के लेवल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम FSH की बात करें तो FSH जो है वो स्लाइटली रेज होता है बिफोर ओवुलेशन, यस। लेकिन नाउ क्योंकि अब एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो चुका है एंड देन देयर इज नो नीड फॉर फर्दर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, तो यहाँ पे FSH का लेवल क्या होगा? डिक्रीज, यस। सो FSH जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें तो ईस्ट्रोजन भी क्या होगा, जो पीक लेवल के कारण LH सर्ज हुआ था, LH पीक हुआ था, ओवुलेशन के बाद पहले सडन ड्रॉप होगा, लेकिन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटम से क्या रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन भी सिंथेसाइज होता है। सो अगेन इन पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड, इन सेक्रेटरी पीरियड ऑल्सो, ल्यूटल फेज ऑल्सो, अगेन क्या दिखाई देगा हमें? ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यस। और अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, यस, प्रोजेस्टेरॉन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सो लेट मी मेंशन इन रेड। तो प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज कैसा रहता है? देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन, बट जस्ट बिफोर द ओवुलेशन देयर इज स्लाइट राइज इन प्रोजेस्टेरॉन। ये हमने देखा था कि LH सर्ज के कारण स्लाइटली प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? राइज होता है इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, यस। बट आफ्टर ओवुलेशन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है देन देयर इज अ पीक अमाउंट और देयर इज अ राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा रिलीज होता है बिकॉज दिस इज द प्राइमरी हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ओके। और अगर हम LH हार्मोन की बात करें तो जैसे पीक लेवल होगा और ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन के सडन बाद में LH भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप डाउन, ओके। सो इन अ सेक्रेटरी फेज ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा? LH स्लो डाउन हो जाएगा बट स्टिल देर आर द रिसेप्टर ऑन द ग्रैनुलोसा और द थीका सेल, सो यहाँ पे भी क्या होगा? देर इज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि इस ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज के अंदर रिलीज होगा, यस। तो इस तरीके से पोस्ट ओवुलेटरी यानी ओवुलेशन के बाद में जो ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं यानी ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम लगातार इन फोर हार्मोन्स को रिलीज करता है और एंडोमेट्रियम भी उस टाइम पे क्या होती है? सेक्रेटरी मोड में, क्योंकि ये कई सेक्रेशंस को थ्रू द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिलीज करती हैं ताकि अगर ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है तो उसके लिए इनिशियल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ओके। बट जैसा कि हमने देखा कि इसका लाइफ स्पैन ओनली 2 वीक का ही रहता है बिकॉज इन मिड ऑफ दिस सेक्रेटरी और ल्यूटल फेज यानी डे 21 और 22 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस यानी हम बोल सकते हैं ओवुलेशन के 7 to 8 डे के बाद में जब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? पीक पे। प्रोजेस्टेरॉन पीक कब होता है? इन द मिड ल्यूटियल फेज, ओके। क्योंकि वही एक टाइम होता है जब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट होता है। बट जब यहाँ पे ऐसा कोई फर्टाइल ओवा है नहीं और ना ही यहाँ पे कोई ब्लास्टोसिस्ट है या फिर कोई स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे इम्प्लांट होने वाला है, तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है? देयर इज अ मॉलिक्यूल जो कि एक सिग्नल सेंड करता है फॉर द रेस्क्यूइंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लास्टोसिस्ट नहीं है तो क्या होगा? ऐसा कोई सिग्नल यहाँ पे सेंड नहीं होगा और जब ऐसा सिग्नल सेंड नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होने लगेगा? रिग्रेशन, उसका रिग्रेशन होने लगेगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। और इन दिस मिड ल्यूटियल फेज क्या होता है? एंडोमेट्रियम भी हाईली इन सेक्रेशंस को रिलीज करती है बिकॉज नाउ ये जो एंडोमेट्रियम है जो इनिशियली इस फेज के अंदर ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट थी, नाउ इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेस्टेरॉन। तो वेसल्स भी मोर डायलेटेड रहेगी, हाईली ब्लड रिच सप्लाई रहेगा ताकि जो इम्प्लांटेड ओवा है उसको अच्छा नरिशमेंट मिल सके। और यही मिड ल्यूटियल हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या कॉज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक थिक म्यूकॉइड प्लग भी बन जाएगा बिकॉज इट प्रिवेंट्स द असेंडिंग इन्फेक्शन, यस। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे? जैसे ही मिड ऑफ द ल्यूटियल साइकिल जब यहाँ पे हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल का अमाउंट रहता है एंड इट रीचेस एट पीक अराउंड डे 8 आफ्टर ओवुलेशन और अगर जब वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट नहीं है तो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे यानी ऐसे कोई सिग्नल्स वहाँ पे नहीं सेंड हो रहे हैं तो धीरे धीरे इन हॉर्मोन्स का लेवल क्या होने लगेगा? कम, यस। तो प्रोजेस्टेरॉन स्लोली डिक्रीज होने लगेगा, उसी के साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्लाइन होने लगेगा और जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्लाइन होने लगेंगे बिफोर फ्यू डेज बिफोर मेंसेस तो उसी के साथ में यहाँ पे
इन्हीं लो लेवल के कारण अगेन फीडबैक सेंड होगा ऑन हाइपोथैलेमस, जिसके कारण किसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, दैट इज FSH. यस, सो FSH का लेवल स्लाइटली बिफोर द मेंसेस अपीयर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे राइज होने लगेगा, और उसी के साथ में स्लाइट अमाउंट ऑफ LH ऑल्सो. सो स्लाइटली LH और FSH बिफोर द मेंसेस केम, स्लाइटली उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बिकॉज ये सिग्नल सेंड हो चुके हैं कि नाउ देर इज नो ब्लास्टोसिस्ट जिसको कि नरिशमेंट देना है. तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, दैट इज द शेडिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग. यस, तो जब इन हॉर्मोन्स का सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो क्या चेंजेस हमको यूट्रस के अंदर देखने को मिलेंगे, बिकॉज सिक्रेटरी फेस एंड अप हो गया है. यस, एंड ब्लास्टोसिस्ट भी यहाँ पे नहीं इम्प्लांट हो रहा है. तो नाउ देर इज अ वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोकल प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड देर इज अ जो सपोर्ट है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, वो भी क्या हो चुका है, डिक्लाइन. और इसी डिक्लाइनेशन के कारण जो अदर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे. यस, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन भी अबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं इन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग मायोमेट्रियम एज वेल. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या कॉज करेंगे, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन. यस, और स्पाइरल आर्टेरियल का जो बनावट है वो ऐसी ही है कि जब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश हो जाएगा, और जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो सेल बिकम इस्कीमिक, दे बिकम नेक्रोस्ड, और जब सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, देयर इज अ स्लजिंग ऑफ और शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. और कौन सी, स्ट्रैटम फंक्शनलिस. यस, सो जब अप्रोप्रिएटली इन हॉर्मोन्स का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ेंगे, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स का लेवल राइज हो जाएगा, लाइसोसोमल एक्टिविटीज जब बढ़ जाएगी, जो लोकल ल्यूकोसाइट्स हैं जब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, देर इज अ इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो कि यहाँ पे इनिशिएट होगा, ये क्या कॉज करेगा, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस लाइनिंग को क्या कर देगा, शेड ऑफ. यस, तो उसी के साथ में क्या दिखने लगेगा, देर इज अ विजिबल ब्लीडिंग जो कि यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के कारण, की शेडिंग होने के कारण दिखाई देगी. तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि डे 1 से लेके डे 5 तक होता है. यस, तो इस दौरान सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनका लेवल डिक्लाइन रहता है, बट स्लाइटली देर इज अ राइज इन FSH. FSH का लेवल जो है वो स्लाइटली क्या रहेगा, रेज्ड. यस, और दूसरा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका भी स्लाइटली लेवल जो है वो क्या रहेगा, रेज्ड. क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो फॉलिकल इस साइकिल के अंदर रिलीज होने वाले हैं उसका एक्चुअली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन 3 साइकिल बिफोर ही हो जाता है. सो स्लोली एट देयर ओन पेस वो स्लोली क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं. ओके, नाउ ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये स्टॉप कैसे होता है, ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होती है, इसके पीछे जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो भी क्या है, दैट इज फर्स्ट कि प्रोलॉन्ग वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, लगातार वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण भी ब्लड क्या हो जाता है, स्टॉप. यस, ब्लीडिंग स्टॉप होती है. एंड सेकेंडली जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन है, प्लेटलेट जो जमा होते हैं वो भी क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. एंड थर्डली, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोलिफरेशन एंडो ईस्ट्रोजन के रिलीज के कारण प्रोलिफरेशन होता है, सो जो एंडोथेलियल लाइनिंग का जो रीजनरेशन है, यानी जो दोबारा बेसल लेयर से जो फंक्शनलिस लेयर सेपरेट हुई है, वो जो न्यू लेयर बनती है उसका बनना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज ही स्टार्ट हो जाता है. ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन पूरा एंड अप होगा एंड देन रीजनरेट होगी लेयर. एक्चुअली रीजनरेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज ओनली. सो इसी नए वेसल्स के बनने के कारण, न्यू सेल्स के ग्रो होने के कारण, यानी रीजनरेशन के कारण भी यूजुअली क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. यस, सो देर आर मेनी फैक्टर्स, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, देर इज द प्लेटलेट एग्रीगेशन, एज वेल एज प्रोलॉन्ग वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ये भी ब्लीडिंग को क्या कर देता है, स्टॉप. एंड नाउ अगेन द साइकिल रिपीट्स. सो ये तो हुआ कि जब अगर सेकेंडरी ओसाइट फर्टाइल नहीं होता है तब क्या होता है, लेकिन सपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है और
इफ इट इज फर्टाइल विद अ सिंगल स्पर्म सेल, तो क्या होगा कि अगेन कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा और उस टाइम पे जब कॉर्पस ल्यूटम के जरिए मिड साइकिल में प्रोजेस्टेरोन पीक पे होगा और ग्लैंड जो होगी मोर सेक्रेटरी फेस पे होगी, तो क्या होगा ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। यस, सो इस होल प्रोसेस को मैंने बहुत डिटेली बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लाइक फर्टिलाइजेशन, मॉरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरोनिक विलाई कैसे डेवलप होती है, प्लासेंटा कैसे बनता है। सो इस होल प्रोसेस को आप डिटेली बाद में देख सकते हैं। सो जैसे ये फर्टाइल होता है और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुँचता है, नाउ इट क्रिएट्स इम्प्लांटेशन, और जब ब्लास्टोसिस्ट इन सिक्रेटरी सेल के जरिए न्यूट्रिएंट को रिसीव करके इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर जब बरीड होता है, इम्प्लांट होता है, तो फाइनली क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग होती है, जिनमें एक ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग जो होती है आउटर वाली, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो बनाती हैं, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज करती है, HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन, और इसी HCG के कारण क्या होता है, सिग्नल सेंड होते हैं ऑन दिस कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पे जब सिग्नल सेंड होते हैं तो यहाँ पे जो LH रिसेप्टर होते हैं, LH रिसेप्टर जो होते हैं उन्हीं पे ये HCG मॉलिक्यूल भी बाइंड होते हैं, और सेम दीज आर द सेम साइट, और जिसके कारण इस कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी जो ये लिपिड और फैट रिच सेल्स हैं, उनको ये और ज़्यादा स्वोलन कर देता है, और ज़्यादा एनलार्ज कर देता है। देर इज़ अ हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी बिकॉज ऑफ दिस HCG, क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगता है, हमने देखा था कि इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 2 वीक की है, लेकिन जैसे ही HCG रिलीज होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन को और बढ़ा देता है अप टिल द 6 वीक। ओके, और फ्रॉम 7 to 8 वीक क्या होने लगता है, देर इज अ ल्यूटियो प्लासेंटल शिफ्ट, यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है ये नाउ कौन टेक ओवर कर लेता है, प्लासेंटा, क्योंकि लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सप्लाई कर रहा है वो बाद में कौन रिलीज करेगा, दैट इज द प्लासेंटा। ओके, सो धीरे धीरे क्या होने लगता है, देर इज अ ल्यूटियो प्लासेंटल शिफ्ट, जिसमें इसकी एक्टिविटीज को कौन प्ले करता है, प्लासेंटा। सो इसको बचा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है बाय द HCG हार्मोन, और वो कहाँ से रिलीज होता है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, सो ये मैंने बताया जब सेकेंडरी ऊस साइड क्या हो जाता है, फर्टाइल, लेकिन अगर फर्टाइल नहीं हुआ है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी आफ्टर 2 वीक्स एंड देन इट बिकम अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स द कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके, सो कॉर्पस एल्बिकेंस बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा एंड दी अनदर साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल टुगेदर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल और फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस हैं। व्हाट ऑल फेजेस आर देयर, मेंस्ट्रुएशन फेज 1 to 5 डे, प्री ओविलेटरी फेज 5 to 14 डेज, दैट इज प्री ओविलेटरी जिसके अंदर क्या होता है, ओवुलेशन से पहले, और ओवुलेशन से पहले ओवरीज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, यस, और उस टाइम पे यूट्रस में क्या होता है, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो रिपेयर होती है, दैट इज द प्रोलिफरेशन। देन थर्ड इज द ओवुलेशन ऑन द डे ऑफ 14th, क्या होता है, ओवुलेशन, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। यस, पोस्ट ओविलेटरी, ओवुलेशन के बाद में क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, एंड देन यूट्रस के अंदर उसी दौरान क्या होता है, सिक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम हाईली सिक्रेटरी फेज पे होती है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। यस, सो दीज आर द 4 फेजेस जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के जरिए इन सारे कोऑर्डिनेशन को एक साथ समझा कि ओवरीज एंड यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं विद इफेक्ट ऑफ दीज ऑल हार्मोन। आई होप दिस विल बी इजियर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।